अस्सलाम वालेकुम। आज आपको लेकर चलते हैं जी जलजाल झील पर, जो कि 2005 8 अक्टूबर को मार्ज़े वजूद में आई। इंतहाई दुश्वार रास्ते देख सकते हैं आप। चलो कैसे रास्ते करा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे भाई आप मिशन जिधर पहुंचे हैं जी, तो इसके बारे में आपको मुख्तसर बता दें। ये 2005 में मेरे ख्याल से 3 रमज़ान था, 2005 को अक्टूबर का महीना था, 8 अक्टूबर, तो ये वाकया पेश आया था जलजला, जो इबरतनाक जलजला, लाखों की तादाद में आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग जो है, पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो है वफात पा गए थे। तो ये इस वक्त जो जिधर हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं वो सामने नीचे बिल्कुल झील का जो एरिया है, तो वो अभी तो झील पहले बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले दिनों तकरीबन 2010 में मेरे ख्याल से या 2012 में जो आसमानी बिजली पड़ी थी, जिसकी वजह से टूट गई थी, बांध टूट गया था, झील टूट गई थी, तो उसमें भी तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ था बाज़ार के अंदर। जो अभी देखें आप, ये वो ऊपर आपको एक एरिया नज़र आ, जहाँ पर दरख्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ से एरिया शुरू हुआ है नीचे। तो ये तकरीबन कुछ एक मिनट कुछ सेकंड के अंदर अंदर सारा एरिया नीचे चला गया था। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके नीचे 7 गाँव हैं, तो अभी सही अल्लाह ताला ही जाने कितने गाँव थे, कौन लोग थे, या जिनके प्यारे इसके नीचे दब गए थे उनको सही इलम होगा कितने लोग थे। तो आप देखें इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये देखें आप, ये सामने ये सारे पत्थर वहाँ से आए। तो ये एहसन भाई भी आज मेरे ख्याल से एंजॉय करने के लिए तो नहीं आए, क्योंकि ये इबरत की जगह है, इबरत की जगह, ये एंजॉय करने के लिए ये जगह नहीं है। अभी आपको झील दिखाएंगे थोड़ी देर तक, हम पहुँचने वाले हैं। तो यकीन माने काफ़ी बंदा डर जाता है यहाँ पे आके, तो मौत समझ लें करीब से बंदे को नज़र आती है। तो जहाँ से ये एरिया शुरू हुआ है, तो वो एरिया भी आपको बताते हैं। झील बिल्कुल बेचारी थोड़ी सी नज़र आ रही है, वो बिल्कुल लास्ट कोने पर, वो देखें जी बिल्कुल हल्की सी थोड़ी सी नज़र आ रही है। तो अभी ये देखें जी यहाँ पे एरिया माशाल्लाह है तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होती थी, तो लोगों का रोज़गार भी था यहाँ पे। रोज़गार तो यही था कि अपनी फसल लगाते थे, अपनी अपने खाते अपना कमाते, तो गवर्नमेंट ने आपको की दी था कहने हसन भाई गवर्नमेंट ने। तो बाकी आप खुद ही समझ गए होंगे। तो यकीन माने बड़ा ख़तरनाक एरिया है यहाँ पर। तो सामने आप देखें बनी आपको नज़र आ रहा होगा ओलिया की सरजमीन बिल्कुल थोड़ गए। तो अभी अभी आपको बताते हैं बाकी भी जो पहाड़ हैं, ये देखें आप, ये रोड तो अभी निकली है मेरे ख्याल से तकरीबन इसको 4-5 महीने हुए, तो पहले तो यहाँ पे रोड का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था, तो हालात यहाँ के काफ़ी ख़राब हैं। अलबत्त देखें ये पानी जो है ना, हमें हटिया में पानी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर पानी वाफर मकदार में जो है ना मौजूद है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ ये है कि बस सहूलत थोड़ी सी नहीं है। अब सहूलत कैसी होगी देखें जी आप, पहाड़ देखें, यकीन माने के इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे। तो जो लोग इसके नीचे आए होंगे, यकीन माने तौबा इस्तफार क्या हालत हुई होगी। उस वक्त भी रमज़ान था, तीसरा रमज़ान था, तो उम्र की शहीद हुई जी बिल्कुल जी। तो ये अल्लाह पाक ने लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया इस जगह को, ये इम्तहान लिया अल्लाह ताला ने, तो हम तो उसके इम्तहान के काबिल नहीं है, क्योंकि हम अभी आपको बताएंगे जी वो एरिया पत्थर वगैरह और ड्रावना एरिया। यहाँ से शुरू हुआ जी, ऊपर आप दरख्त देख सकते हैं, यहाँ से पूरा एरिया जो पूरी स्लाइड आई थी, तो देखें आप यहाँ पत्थर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। और ये झील के आगे ये जो सामने वाला एरिया, ये चिकार साइड है, असदुद्दीन गली साइड, तो यहाँ से ये जो आखिरी एरिया यहाँ से इस तरफ जो ना लेफ़्ट साइड पर तमाम एरिया नीचे चला गया था। ये ऊपर आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर झील जो पहले यहाँ पर थी, तो 2010 में यहाँ से जो ना पानी आसमानी बिजली पड़ने की वजह से झील टूट गई थी। ये देख सकते हैं आप सारा एरिया, ये यहाँ से शुरू हुआ था जलजले में जो स्लाइड आई थी, तो देखें आप कितना ख़तरनाक एरिया है। इस मिट्टी के नीचे 2 गांव तकरीबन 2000 के करीब लोग थे जो कि इसके नीचे आए हुए हैं। रुकार कुछ लोगों का ये कहना भी है कि जो लोधियाबाद जो एरिया था वो बिल्कुल रावलपिंडी की तरह, या अगर कहा जाए तो स्टेडियम की तरह बिल्कुल सीधा था, तो वहाँ पर तकरीबन 150 से 200 घर थे, वो सब इसके नीचे आ गए थे। तो कोई भी जो सिर्फ बंदे घर से बाहर थे या मुजफ्फराबाद में या जेलम वैली के अंदर थे, तो वो बच गए थे जो जेलम वैली के बाज़ार के अंदर थे, बाकी तमाम लोग जो अल्लाह को प्यारे हो गए थे।
तो ये सामने एरिया है, ये चकार के साथ आता है सरमिया। तो ये जो रोड जा रहा है, ये ज़िला बाग का रोड है। इसके नीचे ये झील का पानी आजकल काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। ये झील का पानी यहाँ से होता हुआ सीधा दरियाए जिले में पहुँचता है। सामने आप देखें तो आपको पनी आफस नज़र आएगा। तो ये रोड जी काफ़ी मुश्किल, काफ़ी ख़तरनाक रोड।